आप सभी को प्रणाम। आलोक मेरा नाम और आप तक अच्छी और सही जानकारी पहुंचाना है मेरा काम। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बड़ी खबर। ये ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट जगत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या ये बड़ी खबर है ये जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और खुशखबरी आपको डेफिनेटली इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके नहीं जाइएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको परमिट की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने व्हीकल के लिए, अगर आप भी कोई बड़ी व्हीकल ड्राइव करते हो, बसेस हैं, तो ऐसे दोस्तों केसेस में आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना परमिट के आप व्हीकल को ड्राइव कर पाएंगे, तो आप मुझ पर दोस्तों डेफिनेटली ये पूछेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि अभी दोस्तों केंद्र सरकार ने दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड अथॉरिटीज़ जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, उन्होंने दोस्तों ऐसी विज्ञप्ति जारी करके बोल दिया है दोस्तों कि अब दोस्तों कुछ ऐसे एक वाहन हैं जिनको चलाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि बिना परमिट के आप उसको चला सकते हो। तो यहाँ पे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक वहाँ पे ड्राफ्ट वहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया, उसमें दोस्तों और उसमें बताया है बकायदा व्हीकल के बारे में बताया है कि दोस्तों जो एसी जो वहाँ पे बसेस होती हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो 23 सीट्स से ज़्यादा है, या मतलब जो जिनकी कैपेसिटी 23 सीट है उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ही है, 23 सीट जो रहेगी वहाँ पे जो बसेस हैं उसे वहाँ पे अंदर की, उससे ज़्यादा की नहीं दोस्तों। तो ऐसी और डीलक्स जो बसें रहेंगी, एसी डीलक्स कोचेस वगैरह, तो ऐसी कैटेगरी के जो वहाँ पे व्हीकल होते हैं, पैसेंजर व्हीकल जो बसेस होती हैं, ऐसी बसेस दोस्तों एसी वॉल्वो बसेस भी होती हैं, ऐसी परिवहन विभाग की स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस भी होती हैं। ऐसे वाहन को अगर आप प्राइवेट लेकर चलवाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दोस्तों गवर्नमेंट से, तो आपको एक परमिट लेनी होती थी। अभी ऐसा कोई परमिट नहीं लेना है दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐसा बोल दिया है और जल्द ही दोस्तों इसके ऊपर ये अफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि नियम ये लागू हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ हमारा जो नियम है दोस्तों, जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला MB एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट नियम है 1988, वहाँ पे 1988 मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें एक सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 66, उसमें सेक्शन 66 यानी कि सेक्शन 66, जिसमें दोस्तों सब पार्ट भी हैं, 1 है 1A है। तो सेक्शन 66 ये दर्शाता है दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का नियम में वो होता है दोस्तों बेसिकली नेसेसिटी ऑफ परमिट, यानी कि आवश्यकता, परमिट की आवश्यकता उसका मेन दोस्तों थीम है उस सेक्शन का। उस सेक्शन में यही प्रिस्क्राइब किया गया है कि हर एक व्हीकल को जो बड़े ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं या फिर परिवहन विभाग में पैसेंजर की गाड़ियां चलती हैं, ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता उन वाहनों को ज़रूर पड़ेगी, वैसा उस नियम में लिखा हुआ है। लेकिन उस पर अभी अमेंडमेंट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो मैंने आपको बताया ऐसी डिलक्स बसेस जिनकी कैपेसिटी 23 सीट है वैसी बसों को अभी चलाने के लिए दोस्तों कोई परमिट के लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आने वाली है। यहाँ पे परमिट के लेने के लिए मैं आपसे बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं दोस्तों, बहुत से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जगत के लिए बहुत ही बड़ी खबर रिलीफ देने वाली है कि उनको परमिट नहीं लेना पड़ेगा अपनी बसों को चलवाने के लिए। बहुत से लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है वो दोस्तों बसों को परचेज़ करते हैं, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दोस्तों गवर्नमेंट से एफिलिएट कर देते हैं अपनी बसों को और वहाँ पे अनुबंधन जिसको बोला जाता है कि अनुबंधित करवा देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो बसों को चलवाते हैं, बाकायदा उसकी परमिट लेते हैं। परमिट में बहुत पैसा भी लगता है, ध्यान में रखिएगा, परमिट लेनी पड़ती है उसके लिए, उसको फीस भी लगती है। कुछ लोग एजेंट के माध्यम से जब परमिट लेते हैं तो उनको डबल फीस वो पेमेंट करते हैं, 10,000-15,000 तक वो फीस, इससे ज़्यादा भी 20,000-25,000 तक वो चले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट में दोस्तों अगर ट्रांस की बात करें जिसमें ट्रक वगैरह होती हैं, परमिट की बहुत डिमांड होती है और बहुत पैसा भी लगता है। तो अभी दोस्तों ये एसी बसेस के लिए नियम आया है, जल्दी हो सकता है कि ये ट्रकों के लिए भी नियम आ जाए कि उनको भी परमिट से छूट मिल जाए, तब ये बहुत बड़ा यहाँ पर धमाका होगा ट्रांसपोर्ट जगत में। फिलहाल धमाका की जो शुरुआत है वो अभी हो चुकी है, यहाँ पर बहुत बड़ी शुरुआत हुई है कि जब उनको ऐसी डिलक्स या इन सभी बसों को जिनकी कैपेसिटी 23 सीट्स प्लस रहेगी, तो ऐसी बसों को दोस्तों परमिट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों इस सेक्शन में सेक्शन 66 में बदलाव कर दिया गया है MV एक्ट के दोस्तों, उसमें दोस्तों जो बताता है और नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप मुझे वो ड्राफ्ट चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, मैं आपको उस ईमेल आईडी पर वो नोटिफिकेशन भेज दूंगा, तो आपको बिलीव हो जाएगा। और बाकी अगर मुझसे आप कुछ बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हैंडल जो है वो @technicalalokji है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इजीली अवेलेबल हूँ, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब भी दे देता हूँ। आपको कोई सुझाव हो तो मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करके बता सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की जो खबर है ये आपको पसंद आई होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी सभी लोगों तक करिएगा। जो भी आप चलाते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल्स, उन सभी प्लेटफॉर्म पर प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोगों को, ताकि पता चल जाए कि अभी परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं लेने हैं परमिट तो कौन से वाहनों पर नहीं अभी लेना है। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।